नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों की। निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेंडर से संबंधित एक लेटर वायरल हुआ है। इस लेटर में एयरपोर्ट की जमीन कई कार्यों के लिए आवंटित किए जाने की बात कही गई है। यमुना विकास प्राधिकरण ने इस लेटर को फर्जी बताया। इस लेटर को लेकर यमुना विकास प्राधिकरण अब हरकत में आ गया है। यमुना विकास प्राधिकरण ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। यमुना प्राधिकरण ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि प्राधिकरण की ओर से ऐसे कोई पत्र जारी नहीं किया गया। प्राधिकरण ने फर्जी पत्र का मामला संज्ञान में लेते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया है कि लेटर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह का कोई भी वेलकम लेटर किसी भी कंपनी को जारी नहीं किया गया। अरुणवीर सिंह ने कहा है कि 20 मार्च 2021 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी जमीन पर कार्य आवंटन किए जाने से संबंधित एक लेटर संज्ञान में आया, जबकि प्राधिकरण ने ऐसा कोई पत्र किसी को जारी ही नहीं किया था। ये एक फर्जी वेलकम लेटर है जिसे लगातार फैलाया जा रहा है। इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र कर फर्जी ढंग से जमीन से जुड़े कार्यों के लिए 5000 एकड़ में 500 करोड़ रुपए के टेंडर का अप्रूवल दिखाया जा रहा है। तो यमुना प्राधिकरण की ओर से शिकायत दर्ज की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टेंडर को लेकर फर्जी लेटर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र है। ऐसे में यमुना प्राधिकरण की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, जानबूझकर इसे फैलाया जा रहा है, जिसको लेकर शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। गौतम नगर की कोरियाई कंपनी के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को जेवर से विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। व्यापारियों ने अपनी परेशानी सीएम को बताई। धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि सीएम ने तत्काल समाधान का आदेश अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार को दिया है। सीएम ने उनसे कहा उद्यमियों की सारी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद कोरियाई प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य से भी मुलाकात की है। सीएम को कोरियाई प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि एनवायरमेंट NOC और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में बाधा है। रोजाना करीब 2 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं होती। कुछ कंपनियों तक अभी सड़कें नहीं बनी है। कंपनियों को मिलने वाले इंसेंटिव्स में भी देरी हो रही है। धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि सीएम ने बैठक के दौरान ही अपर मुख्य सचिव को फोन किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड और सरकार से संबंधित विभागों से जुड़ी इन समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का आदेश दिया गया। सीएम ने कहा व्यापारियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य में आए उद्योगों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान भी किया जाएगा। औद्योगिक निवेश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कोरियाई व्यापारियों ने सरकार के काम की सराहना भी की है। आपको बता दें कि सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की गई है। कोरियन कंपनियां बताई जा रही हैं जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तमाम जो समस्याएं सामने आ रही थी वो योगी आदित्यनाथ के सामने रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्रियों को शामिल किए जाने पर इन महिला मंत्रियों का सम्मान करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रमुख वी श्रीनिवासन की ओर से सभी महिला केंद्रीय मंत्रियों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में कहा गया है कि बहुत ही गर्व की बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी कैबिनेट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। बीजेपी महिला मोर्चा महिला केंद्रीय मंत्रियों का 27 जुलाई 2021 को शाम करीब 6:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में सम्मानित करेगी। सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष की ओर से सभी महिला मंत्रियों को चिट्ठी भी भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस सम्मान कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजना ज्योति, रेणुका सिंह, सरुता अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी, शोभा कर्णदलजे, दर्शना जरदोष, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिभा भौमिक और भारती पवार शामिल है। तो ऐसे में अब महिला मंत्रियों को बीजेपी सम्मानित करने की तैयारी कर रही है। 11 कैबिनेट महिला मंत्रियों को सम्मानित किया जाएगा।
तो वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां के अखनूर में पुलिस ने ड्रोन को मार गिराया है। जी हां, बताया जा रहा है कि ड्रोन से पुलिस ने आईईडी भी बरामद कर लिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने से ड्रोन गतिविधियां तेज हुई है। यहां 27 जून को भारतीय वायुसेना स्टेशन पर विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। जानकारी के मुताबिक ड्रोन से 5 किलोग्राम आईईडी बरामद हुआ है। इसे असेंबल किया जाना था और आतंकी इसका इस्तेमाल करते थे। एजेंसियां यहां जांच कर रही हैं कि क्या लश्कर पिछले मामलों की तरह आतंकी हमले के लिए इस तरह का इस्तेमाल कर सकता है। बताया भी जा रहा है कि ड्रोन अंतरराष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर के अंदर मिला। उधर सोपोर में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर हो गए। इनमें से एक आतंकी फयाज नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमलों और हत्याओं में शामिल था। बताया भी जा रहा है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। ये गुरुवार शाम को शुरू हुआ। 27 जून को आईएफ स्टेशन पर हमले में 2 लोगों को हल्की चोटें आई थी, लेकिन हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह की वारदात के सामने आने से एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्रोन पर उभरते खतरे को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी समूहों के बढ़ते खतरे के बीच ड्रोन सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आई है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी बात सामने आई है कि हमला पाकिस्तान या उसके समर्थकों की ओर से किया गया है। पाकिस्तान के ड्रोन हमले में संलिप्तता हो सकती है। पूरी तरह से ये साबित अभी नहीं किया गया है, लेकिन जांच जरूर की जा रही है। महाराष्ट्र में मॉनसून का मौसम आफत लेकर आ गया है। राज्य के कई इलाकों में हो रही बरसात के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जिले पानी पानी हो गए हैं और अब भी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए कोंकण कोस्ट के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर समेत आसपास के इलाकों में बारिश के कारण भयावह हालात हैं। पालघर में बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि पालघर ठाणे में लगातार हुई बरसात से ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। महाराष्ट्र के कलई गांव में लैंडस्लाइड होने के कारण कई लोगों के फंसने की भी खबर है। हर जगह पानी होने के कारण स्थानीय प्रशासन को यहां तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में महार में फंसे लोगों को निकालने के लिए आर्मी तक की मदद लेनी पड़ रही है। रायगढ़ में अलग अलग 4 जगह लैंडस्लाइड होने से कई लोग फंसे हैं। 15 लोगों को निकाला गया है और अब भी 30 लोग फंसे होने की आशंका बनी हुई है। तो महाराष्ट्र पूरी तरह से पानी पानी है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग लैंडस्लाइड की वजह से फंसे हुए हैं, लेकिन ये बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं गाड़ियां डूब रही हैं, कहीं घर डूब रहे हैं, तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नई दिल्ली और लंदन के बीच 10 वर्षीय रोडमैप 2030 के क्रियान्वयन सहित द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा की घोषणा करते हुए कहा है कि श्रृंगला ब्रिटेन के अपने समक्ष के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें भारत और ब्रिटेन के बीच रोडमैप को लागू करना और अफगानिस्तान में विकसित स्थिति पर भी शामिल करना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और उनके ब्रिटिश समक्ष बोरिस जॉनसन के बीच एक डिजिटल शिखर सम्मेलन में रोडमैप 2030 स्वीकार किया गया था, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक समग्र रणनीति भागीदारी तक ले जाने पर केंद्रित है। दोनों देशों के बीच तैयार किया गया रोडमैप व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, जलवायु और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अगले दशक में पुनर्जीवित और गतिशील कनेक्शन की कल्पना करता है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। तो सचिव श्रृंगला 2 दिवसीय ब्रिटेन की यात्रा पर रहने वाले हैं। 2030 के रोड मैप को लेकर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने एक शिखर सम्मेलन में इस रोड मैप को रजामंदी दी थी, जिसको लेकर अब सचिव श्रृंगला 2 दिवसीय ब्रिटेन की यात्रा पर रहने वाले हैं। वहीं यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने सियासी दांव चला है। दरअसल यूपी में जातीय समीकरण साधने के लिए बसपा से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी।
और इसको लेकर वो पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी। रामनगरी अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। बसपा महासचिव सतीश चंद मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। अयोध्या के बाद प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के सम्मेलन किए जाएंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1 बजे अयोध्या के ताराजी रिजॉर्ट में होगा। इसके बाद शाम को सतीश चंद मिश्रा सरयू आरती में भी शामिल होंगे। और 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मण वोट पर फोकस किया था। इसी तर्ज पर आज से ऐसी शुरुआत दोबारा से हो रही है 2022 को लेकर। मायावती का समीकरण तब फिट भी बैठा था और वो सत्ता में भी आ गई थी। इस बार वो दलित मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण बनाकर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही हैं। लेकिन देखना होगा कि ये पूरी तैयारी कितना फायदा बसपा को पहुंचा पाती है। तो मायावती ने नया सियासी दांव चला है। आज से एक ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत बसपा करने जा रही है, जिसकी शुरुआत अयोध्या से की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य ऑस्कर फर्नांडिस की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने अस्पताल जाकर कांग्रेस के सीनियर नेता ऑस्कर फर्नांडिस से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस घर में योग करते वक्त गिर गए थे। इससे उनको गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑस्कर फर्नांडिस की सेहत का हाल जानकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मीडिया से बात भी की है। सिद्धरमैया ने कहा है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वे 2 से 3 दिनों तक उनकी स्थिति को देखने के बाद आगे का इलाज तय करेंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धरमैया कहते हैं कि मैं केवल यही प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऑस्कर फर्नांडिस पार्टी के एक सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं, उनके काफी समर्थक और प्रशंसक हैं और वे उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। कांग्रेस के कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार ने भी डॉक्टरों को भरोसा दिलाया है और कहा है कि हमें डॉक्टर पर पूरा विश्वास है कि वो जल्द उन्हें ठीक कर देंगे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस योग करते वक्त घर में अचानक गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उनका हालचाल जानने तमाम कांग्रेसी नेता अस्पताल पहुंचे हैं, उनका हालचाल जाना है। साथ ही साथ बयान भी दिया है और ट्वीट भी किया है कि जल्द ही वो कामना करते हैं कि ऑस्कर फर्नांडिस अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल के किए गए किराए संबंधी वादे पर नीति तैयार करने के लिए कहा है। केजरीवाल ने पिछले साल मार्च महीने में गरीब मजदूरों से किराया नहीं लेने की अपील की थी और कहा था कि यदि कोई भर नहीं पाता तो उसका भुगतान सरकार करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एक मुख्यमंत्री का दिया गया आश्वासन लागू करने योग्य वादे के बराबर है, जिसको लागू करने के लिए राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। कोर्ट ने साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर फैसला करे। जज प्रतिभा एम सिंह ने एक आदेश में कहा है कि जरूरत है कि शासन करने वालों द्वारा नागरिकों से किए गए वादे वैध और उचित कारणों के बिना नहीं टूटे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान किराया नहीं लेने के लिए अपील की थी और वादा किया था कि लॉकडाउन के दौरान सरकार किराया भरेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि केजरीवाल द्वारा दिया गया आश्वासन सरकार किराए का भुगतान करेगी, इसको लेकर अब केजरीवाल आगे आए और बोले। दरअसल चुनाव के दौरान का राजनीतिक वादा ये नहीं था। कोर्ट ने कहा है कि आश्वासन एक राजनीतिक वादा भी नहीं है, जैसे कि इस न्यायालय के सामने बताने की मांग की गई है। ये चुनावी रैली में नहीं किया गया, ये GNCDC के CM द्वारा किया गया एक बयान है। तो ऐसे में अब हाईकोर्ट पूछ रहा है दिल्ली सरकार से कि क्या हुआ उस वादे का, उस वादे पर उन्हें अब अमल करने की जरूरत है क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2021 के बीच 80 नामों की सिफारिश की गई है। इनमें से 45 न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जा चुका है। राज्यसभा में गुरुवार को एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री
किरण रिजिजू ने दी थी। उन्होंने बताया कि शेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के साथ विभिन्न चरणों पर कार्रवाई चल रही है। कानून मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालयों में रियुक्तियों को भरने के लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इसलिए उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के खाली पदों को भरने के लिए आवश्यक समय का संकेत नहीं दिया जा सकता। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालयों के लिए 1098 न्यायाधीश स्वीकृत हैं। मौजूदा वक्त में 645 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि 453 की कमी है, जिसको जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है। तो नियुक्ति के लिए 80 नामों की सिफारिश भेजी गई है। अब इन 80 में से कितने नाम निकलकर सामने आएंगे, देखने वाली बात होगी। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर यह सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल अगर बात की जाए उच्च न्यायालयों की, तो यहाँ पर जितने जजों की जरूरत है उससे कम अभी कार्यरत है। ऐसे में अभी 453 ऐसे पद हैं जो खाली हैं, जिनकी नियुक्ति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन सिफारिश तो 80 नामों की दी गई है, लेकिन किस नाम पर मुहर लगेगी इस पर कोई भी चर्चा अब तक नहीं की गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को एनएचआरसी की समिति से प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। 5 जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि चुनाव के बाद हिंसा पर हाईकोर्ट को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में उनके विसंगतियों है। रिपोर्ट में चुनाव के पहले हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया गया। सिंघवी आगे कहते हैं कि एनएचआरसी जैसे संस्थान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको बता दें कि एनएचआरसी ने अपने रिपोर्ट में बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना भी की है। दूसरी ओर राज्य सरकार भी हिंसा के मामलों में जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। बंगाल में चुनाव के बाद से हिंसा पर एनएचआरसी की टीम की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी गई अंतिम जांच रिपोर्ट में राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की गई। गौरतलब है कि 13 जुलाई को एनएचआरसी ने 2021 के विधानसभा चुनावों के परिणाम स्वरूप राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करते हुए हाईकोर्ट को 50 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। तो बंगाल का एक पूरा मामला है, जहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को बड़ा आदेश दिया है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार की जाए। एनएचआरसी की रिपोर्ट पर हलफनामा भी दायर करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये मामला है बंगाल विधानसभा चुनाव का, जिसमें लगातार हिंसक प्रदर्शन हुए थे, हिंसक घटनाएं हुई थी, जिसको लेकर लगातार रिपोर्ट मांगी जा रही थी। कलकत्ता हाई कोर्ट अब बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांग रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि उनकी तरफ से रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, हलफनामा भी दायर करने के लिए कहा गया, लेकिन अब तक हलफनामा दायर नहीं हुआ है, जिसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई है। असम में नवगठित विद्रोही समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सभी सदस्यों ने गुरुवार को हथियार समेत आत्मसमर्पण कर दिया। जनवरी 2020 में तीसरे बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद एम्बाथा के नेतृत्व में एनडीएफबी के कुछ असंतुष्ट कैडरों के जंगल में लौटने के बाद ये संगठन बनाया गया था। ये ज्यादा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में सक्रिय थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सारमा ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार की नीतियों में लोगों का भरोसा मुख्यधारा में लौटने के लिए एनएलएफबी के फैसले से परिलक्षित है। मैं उनके घर वापसी का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा है कि असम सरकार बीटीआर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और बोडो लोगों की अद्वितीय सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान की रक्षा करेगी। पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत ने कहा है कि एनएलएफबी प्रमुख एम बाथा समेत पूरा संगठन आत्मसमर्पण कर चुका है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही असम के अदलगुड़ी जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के एक जिला कमांडर को मार गिराया। विशेष पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी थी। सिंह के मुताबिक एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुबह माजपात पुलिस थाना क्षेत्र के दीमाचांग में तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें एनएलएफपी का स्वभू उदलगुड़ी जिला कमांडर जयपुरुष मारा गया था। इसके बाद जानकारी मिल रही है कि इस संगठन से जुड़े सभी जो लोग थे, जो भी उग्रवादी थे, वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। हथियारों समेत उन्होंने आत्मसमर्पण किया है।
देश के कई राज्यों में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन को लेकर किल्लत है। ऐसे में केरल सरकार ने कहा है कि उनके यहाँ आने वाले दिनों में स्पुतनिक वी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लग सकती है। इसको लेकर राज्य सरकार की रूस के साथ बातचीत चल रही है। बता दें कि स्पुतनिक वी रूस की ही वैक्सीन है और भारत के कुछ राज्यों में ये लोगों को लगाई जा रही है। केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव के मुताबिक रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ बातचीत चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के संबंध में रूस और केरल सरकार के बीच बातचीत तब शुरू हुई जब राज्य को कोविड 19 टीकों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। मंत्री आगे कहते हैं कि मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी रूसी अधिकारियों, महावाणिज्य दूत और प्रत्यक्ष निवेश बोर्ड के साथ परामर्श कर शुरुआत कर चुके हैं। चर्चा भी लगातार चल रही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि हम कुछ दिनों के भीतर एक आशय पत्र पर बातचीत भी कर सकते हैं। यानी कि जहां एक तरफ देश भर में कोरोना की वैक्सीन को लेकर किल्लत तमाम राज्य जूझ रहे हैं, तो ऐसे में अब केरल ये कहती हुई नजर आ रही है कि स्पुतनिक की वो मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां खुद जल्द शुरू करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगती लग घाटी के पीच सड़क पर लोक निर्माण विभाग ने 7 साल के बाद टॉरिंग की है, लेकिन 9 किलोमीटर सड़क में 4 दिन के बाद जगह जगह टारिंग उखड़ गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए। इससे ग्रामीणों ने सरकार प्रशासन से 9 किलोमीटर सड़क पर की टारिंग की गुणवत्ता की जाँच की मांग की है। बढ़ाई से पीच तक 9 किलोमीटर सड़क पर 4 पंचायतों के हजारों लोग वाहनों में सफर करते हैं, जिसमें बुआई, शिलानाला, पीच, भूमितर पंचायत के लोगों ने सरकार प्रशासन से उचित मांग की है। शिलानाला ग्राम पंचायत प्रधान बीर सिंह ठाकुर ने बताया कि बरसात के दिन में पीच सड़क में टारिंग को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद रात दिन कभी बारिश टारिंग की गई। इससे 4 दिन में टारिंग उखड़ गई और जगह जगह टारिंग उखड़ने से सड़क खराब हो गई है। इसको लेकर सरकार जांच करवाए और इस सड़क पर टारिंग को दुरुस्त करने के लिए निर्देश भी दिए जाएं। बागन निवासी प्रीतम ने बताया कि 4 दिन पहले ही सड़कों को स्वस्थ किया गया, लेकिन सड़कें फिर भी खराब होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रशासन से जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी बरसात के समय में जगह जगह से सड़क खराब हो जाती है, गुणवत्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी खामियाजा आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। भारत के युवा पहलवान तनु ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तनु ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंक गवाए बिना 43 किलोग्राम वर्ग में खिताब अपने नाम किया। वहीं प्रिया ने बेलारूस की सियाना पाटोविच को 5-0 से हराकर 73 किलोग्राम वर्ग में खिताब जीता है। शुरुआत में तनु बेरिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें जल्द ही अपने हरफन मौला खेल के साथ इसे एक तरफा जीत में तब्दील कर दिया और बेलारूस की वेलेरिया को चैंपियनशिप में हराकर खिताब अपने नाम भी कर लिया। तनु की 4 मुकाबलों में ये तीसरी जीत थी। तनु इस इवेंट में विश्व चैंपियन बनने वाली तीसरी भारतीय है। इससे पहले अमन गुलाया और सागर जगलान ने पुरुषों की फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में खिताब जीत कर भारत को इतिहास में पहली बार टीम चैंपियनशिप का खिताब दिलाया है। साथ ही अमन गुलिया और सागर जागलान ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में खिताब जीतकर भारत को ये टीम चैंपियनशिप भी जिताई है। अन्य भारतीय वर्षा ने 65 किलोग्राम वर्ग में तुर्की की द्युंग नरल के खिलाफ हार से जीत के साथ कांस्य पदक जीता। शनिवार को कोमल विश्व खिताब के लिए भी दौड़ में होंगी, क्योंकि वो बेलासुर की स्वेतलाना केंटका को हराकर फाइनल में पहुंची है। उनका सामना अजरबैजान की रुजाना मावाडोवा से होगा। नितिका और हर्षिता सेमीफाइनल में हार गई हैं। टीम इंडिया अब श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप करने उतरेगी। साथ ही तीसरे और आखिरी वनडे मैच से पहले भारतीय कोच राहुल द्रविड़ के सामने दुविधा होगी कि वह आखिरी मैच में प्रयोग करें या क्लीन स्वीप के लिए विजयी संयोजन को बरकरार रखें। शिखर धवन की कप्तानी में भारत ने पहला मैच 7 विकेट से जीता, जबकि दूसरे मैच में मिली 3 विकेट से जीत में दीपक चाहर ने नाबाद पारी खेली। अब देखना यह है कि भारत पारी की शुरुआत के लिए शिखर धवन के साथ पृथ्वी शॉ को ही उतारता है या देवदत्त पड़िकल या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलता है। शॉ ने पहले 2 मैच में 43 और 13 रन बनाए। शॉ को फिर मौका मिलता है तो उनकी कोशिश अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने की होगी। टीम प्रबंधन के सामने एक और दुविधा ये होगी कि आक्रामक
ईरान किशन को ही उतारा जाए या संजू सैमसन को वनडे क्रिकेट में पदार्पण का मौका दें। मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव मध्य क्रम में अपनी जगह बरकरार रखेंगे। उपकप्तान भुवनेश्वर कुमार कह चुके हैं कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर कोई मसला नहीं है, लिहाजा बड़ौदा के इस खिलाड़ी और उनके भाई कृणाल पांड्या के खेलने की उम्मीद ज्यादा बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।